हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्याज का सलाद बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपने बहुत प्रकार के सलाद खाए होंगे, जैसे सिरके वाली प्याज की सलाद, नींबू वाली प्याज की सलाद, ऑलिव ऑयल वाली प्याज की सलाद, पर मैं आज आपको प्याज और सरसों के तेल से बनी सलाद की विधि बताने जा रही। सलाद बनाने के लिए हमें एक बड़ा प्याज, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, दो कटी हुई बारीक हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और कुछ धनिया की पत्तियां चाहिए। सबसे पहले एक प्याज ले, उसके दोनों सिरों को पहले काट ले, उसके बाद इसका छिलका निकाल दे, फिर इसे 8 भागों में बराबर बराबर काट ले। अब प्रत्येक प्याज के परत को अलग अलग कर ले, जैसा कि मैंने पहले से ही कर रखा है। ये देखने में कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इसमें साबुत धनिया डालें, फिर हरी कटी मिर्च डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, उसके बाद लास्ट में सरसों का तेल डाल दें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। सरसों के तेल की परत हर एक प्याज में लगी होनी चाहिए। अब इसे धनिया पत्ती से सजा लें। आपका सरसों के तेल वाला प्याज का सलाद रेडी है। इसे आप रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।